हाय गाइस, दिस इज रांग फ्रॉम फिल लाइफ और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टेरेन फैशन लिमिटेड की। तो ये कंपनी है जो काफ़ी लाइमलाइट में आई थी 2016 में, जब रिलायंस म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था और 202 रुपीज़ के रेट के आसपास काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, लगभग 10 से 15 करोड़ का। कंपनी में मैंने जब सबसे पहले इन्वेस्ट किया था तो 131 रुपीज़ की कंपनी थी और वो था 2014-2015 के आसपास। तब से कंपनी इंक्रीज़ भी करी, 200 रुपये के आसपास हो गई। वहाँ पर मैंने अपनी कुछ शेयर होल्डिंग बेच भी दी थी और फिर उसके बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी गिर कर लगभग 60 रुपीज़ आ गया है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो पिछले साल कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ का था और 132 रुपीज़ का रेट था। इस समय भी मेरे को अच्छा लग रहा था ये स्टॉक और करेंटली ये 50% गिर चुका है और अभी भी ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन इसके कंसर्न्स भी मैंने देखे कि क्या कंसर्न्स आ रहे हैं। तो मेजरली इसका जो सबसे बड़ा कंसर्न ये आ रहा है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जो इसको बाज़ार से पैसा लेना है, वो कंपनियां इसको पैसा नहीं दे रही हैं। तो इसने जहाँ जहाँ माल बेच रखा है वहाँ से पैसा इसका रिकवर नहीं हो पा रहा है और 240 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, मतलब 240 करोड़ रुपये इसको बाहर से लेने हैं। तो वो एक सबसे मेजर कंसर्न है। ये कंपनी अगर चाहे तो वो रिकवर कर सकती है और NCLT में केसेस डालती हैं या फिर MSME बोर्ड में, MSME में नहीं, ऑब्वियसली NCLT में अगर केसेस डालेगी तो कंपनी रिकवरी कर भी सकती है उस पैसे का, अगर इसने बल्क में किसी को बेच रखा है और वो पैसे नहीं दे रहा है तो। और कंपनी को मेरे को लगता है ऐसे डिसीशंस और रास्ते अपनाने चाहिए, क्योंकि 240 करोड़ रुपये बहुत मायने रखता है जब कंपनी के पास सेल्स ही 420 करोड़ की हैं और कंपनी के प्रॉफिट्स 25 करोड़ के आते हैं। तो अगर 240 करोड़ मान लो इसके पास आ जाएंगे, 240 पूरा नहीं कहता मैं, लेकिन अगर 50, 60, 70 करोड़ भी आ जाएंगे तो उसकी ब्याज भी अगर कंपनी लेगी तो 5 करोड़ तो ब्याज से ही इंक्रीज़ कर जाएंगे लगभग, या 4 करोड़ तो ब्याज से ही इंक्रीज़ कर जाएंगे कंपनी के। तो अगर कंपनी की सेल्स की बात करें, 2015 से 2019 में कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ करी हैं लगभग 10% के रेट से। 2015 में 290 करोड़ की सेल्स थी, 2019 में 420 करोड़ की सेल्स हो गई हैं। और कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट मार्जिन 6-7% पे प्रॉफिट मार्जिन कंपनी काम करती है। 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट किया था 25 करोड़ का लगभग और अर्निंग पर शेयर थी 6.78 की। अगर प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ रेट देखें तो 9% की ग्रोथ रेट है और अर्निंग पर शेयर को इसी रेट से अगर ग्रो करते हैं तो 2024 में 10.60 की इसकी अर्निंग पर शेयर निकल के आती है 9% के ग्रोथ रेट से। इस हिसाब से अगर देखें पी बैंड जिसमें मूव करती है कंपनी, दैट इज़ 14 और 33, और करंट पी 8 का चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो कंपनी में मैंने कंसर्न बताया वही बहुत इंपॉर्टेंट है। 14.76 और 33.72 जो है, इससे अगर फ्यूचर की प्राइसेस निकालें तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक का रेट 156 से 350 के आसपास हो सकता है अगले आने वाले 5 सालों में। करंट रेट चल रहा है 60 रुपये का और कंपनी की अगर सपोर्ट की बात करें तो 57 रुपीज़ का इसका करंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 78 के आसपास है और म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी अच्छी खासी है इसमें। अगर डेट की बात करें तो कंपनी में डेट 23 करोड़ का है और असेट्स लगभग 400 करोड़ के हैं कंपनी के ओवरऑल असेट्स, बुक वैल्यू अगर देखें। लेकिन इन असेट्स में इनके जो रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, वो इंक्लूडेड हैं, तो वो आना ज़रूरी है। कंपनी की बुक वैल्यू करंट 60 रुपये की है, तो बुक वैल्यू और स्टॉक प्राइस दोनों सेम है। ओवरऑल कंपनी के ऑडिटर्स देखें तो अनिल नायर एंड एसोसिएट्स ऑडिटर्स हैं, तो ऑडिटर्स के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन तब भी अगर मैंने कंपनी के बारे में जब रिसर्च करी थी तो जो इसके CEO वगैरह हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चेयरमैन हैं, तो वहाँ पर मेरे को काफ़ी एथिकल बैकग्राउंड लगा उनका और बहुत सही लगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी एथिकल पैरामीटर में मेरे हिसाब से सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको ये मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि ये अपने जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको रिकवर कर पाए, क्योंकि जब वो पैसा आएगा तभी कंपनी और एक्सपेंडिचर कर सकती है मार्केटिंग वगैरह का, जिससे कि ये इंक्रीज़ करे और अपने रिटर्न्स बढ़ा सकती है और शेयर भी तभी इसका इंक्रीज़ करेगा। सो दैट्स अबाउट इट फॉर इंडियन टेरेन्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, जिससे आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे। प्लस आप कमेंट सेक्शन में और डिटेल्स डाल सकते हैं और कोई भी कमेंट लिख सकते हैं रिलेटेड टू एनी कंपनी जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर हम वीडियोस बनाएं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर इंडियन टेरेन। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। साइनिंग ऑफ सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिल लाइफ।